हैंड पंप की बोरिंग के पूरे 2.5 से 3 हज़ार रुपये लेते हैं प्लम्बर। उसके बावजूद उनको कहो कि मोटर फिटिंग का सामान जरा इसके अंदर सेट कर दो, मोटर लगानी है हमें। तो वो लोग के नखरे इतने ज़्यादा होते हैं ये चार चेक वाल और नट और ये टी कसने के, लेकिन इस चार नट और पाइप को कसने के लिए उन्हें चाहिए पूरे 300 रुपये, जब जाके आपकी मोटर पानी उठा पाएगी। तो दोस्तों, आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपने हैंडपम्प लगवा लिया है, एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल नहीं देना है। केवल 10 मिनट में आज मैं बताऊंगा आपको कैसे लगाना है ये। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं रामू प्रसाद और आज आप सीखने वाले हैं कि अगर आपके घर के अंदर बोरिंग हो रखी है और उसमें मोटर की फिटिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं खुद ही घर पर। आपको कोई भी टूल, कोई भी औजार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब हम नलका वगैरह लगवाते हैं तो हमसे जो बोरिंग करने वाला प्लम्बर होता है वो हमसे 2,000-2,500 रुपये आज के समय में ले लेता है। आगे कितना पैसा लेगा ये कोई कह नहीं सकता है। तो इतना पैसा लेने के बाद भी वो खाली इसको 2-3 घंटे के अंदर ज़मीन के अंदर चुभो देता है, 2 हैंडल मार करके पानी निकाल करके दिखा देता है और चला जाता है अपने घर। अब उसको कहो कि भाई ये 2-4 नट बोल्ट हैं, इसको कस दे ताकि हम अपनी मोटर लगा लें इसके अंदर, तो कहता है तो मुझे 300 रुपये चाहिए तब जाके मैं इसको कसूँगा। तो इस चीज़ को आप केवल 10 मिनट के अंदर कस सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं, वैसे तो मैंने आज पाइप रिंच ले रखा है, पाइप रिंच की भी आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको आज वो तरीका बता दूंगा। केवल ये सामान आप मार्केट से ख़रीद के लाइए, जितने का भी आपका आएगा हार्डवेयर से हैं, इसको ला करके ही आप इसको कस सकते हैं और बहुत आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई लीकेज नहीं होगी। हम लोग डरते हैं पता नहीं हमारे कसने से पानी उठाएगा कि नहीं उठाएगा। तो क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, किस तरीके से इसको कसा जाता है, सारी जानकारी आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम रामू प्रसाद हैं और आप हमारे चैनल ऐसी सोल्यूशन पर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, तो सबसे लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब आप अभी कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए आती रहती हैं। किसी भी पाइप के अंदर यानी किसी की भी बोरिंग के अंदर से अगर मोटर लगाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले सामान क्या क्या लेना पड़ेगा, पहले हम आपको ये बता देते हैं। तो सर्वप्रथम तो आपके पास में वो बोरिंग होनी चाहिए जिसमें कि आप अपनी मोटर को सेट करेंगे। उसके बाद आपके पास मोटर भी होनी चाहिए जिस मोटर को आपको यहाँ पर सेटिंग करना है, इन पाइपों को लगाना है। और उसके बाद में आपको ये पाइप होने चाहिए, ब्लैक वाला पीटी पाइप आपको लेना होगा। जितनी आपको ज़रूरत है, जितना लंबा आपको चाहिए उतना बड़ा आप ले लीजिए। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 मीटर लें, 2 मीटर लें, जितनी ज़रूरत है उतना लें और सेक्शन के अंदर लगाना होगा। और उसके बाद आपको ये लेना होगा 1.25 इंची का नट, जो कि हार्डवेयर से आपको मिल जाएगा सारा सामान। और ये लेना होगा एक टी, जिसके एक दो साइड से तो आपका इसमें 1.25 इंची लगेगा और एक साइड से आपका 1.25 इंची का पाइप लगेगा। उसके बाद आपको इस प्रकार का एक नट लेना होगा जो कि आपके इस चेक वाल के अंदर लगेगा एक साइड का, और एक साइड आपका इस टी के अंदर लगेगा। उसके बाद में आपको एक चेक वाल भी लेना पड़ेगा 1.25 इंची का, ताकि आपका पानी जो कि ये वापस ना जाए, रिटर्न ना जाए। उसके बाद में आपको एक पाइप भी लेना होगा इस तरह का, देख सकते हैं 1.25 इंची का पाइप है, जितना लंबा लेना चाहें ले सकते हैं, 3 इंची, 4 इंची, 6 इंची का, 5 इंची का, जैसा आप लेना चाहें वैसा ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको एक हमने जो कि अस्ट्रल का ले रखा है, ये सफ़ेदा, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और उसके बाद आपको धागा भी लेना होगा। अब इस सबको कैसे सेट करना होता है दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर आपको धागा लगाना पड़ेगा। धागा कैसे, इस तरह से आप निकाल लीजिए। और उसके बाद में सिंपल तरीका है, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर ही आप लोग सब कुछ कर पाएंगे। ये देखो, इस तरह से सब में जिस जहाँ जहाँ भी चूड़ी लगी हुई है उस जगह पे आपको इस तरह से धागा लपेट लेना है। थोड़ा सा मोटा कर लेना, कम से कम 2-3 mm मोटा कर लेना है इस धागे को। जब लपेट रहे हैं आप धागे को, यहाँ पर ऐसे लपेट लेना है 2 mm मोटा हो जाए, उसके बाद सब पे हम धागा लपेट लेंगे। बारी बारी से एक एक में धागा लगाया और एक एक में कसते चले गए। ऐसा ना करके आप पहले धागा लगा लीजिए, उसके बाद सभी के ऊपर सफ़ेदा लगा लीजिए। सफ़ेदा लगाने के बाद में उसके बाद आप सबको कसना शुरू कीजिए। तो जब हम फिटिंग करने लग जाते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही कस लेंगे और इसके बाद में ऊपर से इसके ऊपर सफ़ेदा लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको सफ़ेदा लगाने का यही तरीका है कि इसको जब इसको कस रहे हैं आप इस चेक वाल को हैं, तो इसको इससे पहले ही आपको सफ़ेदा मिला के सबसे पहले इसके ऊपर लगा लेना चाहिए। जब ये जो कि पकड़ अच्छी बनाता है, अंदर तक चूड़ी तक ये इसकी पकड़ हो जाती है, नहीं तो ये लीकेज की समस्या रह सकती है। और सफ़ेदा जब भी आप लेकर के आते हैं तो ये ऑयली होता है थोड़ा सा, तो क्या होता है आपको इसकी इस तरह से मिला लेना चाहिए।
कोई भी सफ़ेदा लेके आते हैं किसी भी कंपनी का, एस्ट्रल का अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ऐड नहीं है इसका, पर यह है कि किसी भी कंपनी का सफ़ेदा आप ले लीजिए। इस तरह से आप इसको मिला लीजिए उंगली से, और उसके बाद थोड़ा सा ले करके आप पाइप के जहाँ जहाँ आपने धागा लगाया है, जहाँ आपकी चूड़ी कसने वाली है, उस जगह पर आप इसको अच्छे से लगा लीजिए। तो जितनी भी चूड़ियाँ हैं जिनके ऊपर आपने धागा लपेटा है अच्छे से कम 2-3 mm, उसके ऊपर आपको कम से कम 1-1 mm की परत बना लेनी है सफ़ेदे की, बॉन्ड फिट भी इसको कहते हैं। इस तरह से हम लोग इसके अंदर सफ़ेदा लगा लेते हैं, और उसके बाद में हमें इसको टाइट करना होता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जो चेकवाल है हमारा 1/4 inch का, इसको ये जो घंटी लगी होती है ये हमारे नीचे लटका रहना चाहिए, तभी हमारा पानी रुकेगा। अगर हम इसको उल्टा करके ऐसे लगा देंगे तो पानी हमारा सारा वापस चला जाएगा। ये चेकवाल इसीलिए लगाया जाता है कि हमारे नलके के यहाँ तक, मुँह तक पानी रहे, जब मोटर चला रहे और मोटर बंद कर दें तो पानी वापस ना जाए, इसलिए ये चेकवाल लगाया जाता है। तो ये घंटी आपको हमेशा नीचे ही रखनी पड़ेगी, तभी आपका ये चेकवाल बढ़िया से काम करेगा। चलिए इसको आराम से चूड़ी मिला करके हम इसको ऐसे कस लेंगे। चूड़ी मिलनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद में आपको इसके ऊपर एक नट लगाना है जो आपने लाए थे, दोनों तरफ से चूड़ी कटी हुई है जिसमें, और उसके बाद आपको ये टी कस लेना है। उसके बाद आपको ये पाइप लगा लेना है इसके अंदर, इसको भी कस लेना है। अब देखिए, मैंने कहा कि आपको किसी भी तरह की पाइप क्रिंच की या किसी भी टूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो कैसे नहीं पड़ेगी, देखिए जब आप इतना कस लेते हैं तो आपको ये नीचे का सारा पोर्शन कसना होता है, टाइट करना होता है। तो उसको टाइट करने के लिए देखो, मैं इसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, किसी औजार का। आप सिंपल सी बात है, ये पाइप पकड़िए और इस तरह से इसको सबको घुमाना शुरू कर दीजिए, पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक ये घूमने लग जाएगा, आपको कुछ भी और औजार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको लगता है नीचे वाला आपका जो कि टाइट नहीं हो रहा है ऊपर वाले को घुमाने से, तो आप इसको थोड़ा सा हाथ से भी इस तरह से घुमा करके टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है कि आप बिना टूल्स के, बिना औजार के आप अपना काम इस तरह से कर सकते हैं, और लीकेज वगैरह की कोई समस्या नहीं होगी। इसका मुंह किधर करना है, इधर करना है, ठीक है। तो जिधर आपको इसका मुंह करना है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, और आपको कहीं पे भी संदेह लगता है कि भाई कहीं लीकेज हो सकती है, तो पहली बात जो इसके अंदर सफ़ेदा लगा हुआ उसको आप पहले ऐसे दबा बराबर कर दीजिए अच्छे से, फालतू हो रहा है तो, और कम है तो इसके ऊपर थोड़ा सा सफ़ेदा और लगा दीजिए ताकि ये लीकेज वगैरह ना रहे, ठीक है। इस तरह से आप सफ़ेदा लगा दीजिए, ये टाइट हो चुका है वैसे, इतना मतलब आपका हाथ रुक जाए इतना ही टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना कि मतलब ये नीचे का पाइप टूट जाए या इसका जो चेक वाल है यही टूट जाए, ऐसा नहीं करना। केवल इतना टाइट करना है कि आप रुक जाए जहाँ आपको चाहिए वहाँ तक, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सब तरफ बचता है तो सफ़ेदा लगा दीजिए जहाँ पे लगे आपको कि लीकेज, हालांकि लीकेज नहीं होगी लेकिन फिर भी आपको लगा देना है। अब उसके बाद में इसके अंदर डालना है थोड़ा सा पानी, उससे पहले आपको लगाना पड़ेगा पाइप, ठीक है, जिससे कि पानी आपका मोटर जो कि जल्दी उठा लेगा। उसके बाद में आपको ये नट इसके ऊपर से कस देना है सिंपल से हाथ से, सफ़ेदा इसमें लगा हुआ है, और सफ़ेदा लगने के बाद में आप हल्का सा हाथ से कस देंगे तो भी आपका ये जो कि लीकेज नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसके अंदर पानी डालते हैं, पाइप वगैरह लगाते हैं, पाइप कैसे लगाते हैं ना, सब कुछ आपका टाइट हो जाए उसके बाद में आप इसके अंदर पाइप लगाइए पहले, ठीक है। पाइप आपको अच्छे से लगा देना है इसमें, पाइप आपका पुराना नहीं होना चाहिए, कहीं से फटा नहीं होना चाहिए, और ये लूज नहीं होना चाहिए। अगर ये लूज रहेगा हैं तो लूज रहने की वजह से आपकी मोटर जो है कि पानी नहीं उठाएगी। इसके अंदर भी पानी डालना है और इसके अंदर भी पानी डालना है पहली बार, ठीक है। उसके बाद आप इसको बंद कर देंगे हम इसको ढक्कन से इससे, और पहली बार आपको मोटर के अंदर भी पानी डालना होगा। अगर चेक वाल आपका सही रहेगा तो भविष्य में कभी आपको पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके बाद में आपको ये जो नट है इसके ऊपर ढक्कन टाइप का, इसको आपको कस देना है, ठीक है। हाथ से कस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो सफ़ेदा आपका लग रहा है ये लीकेज होने नहीं देगा। इसको आप इसके ऊपर इस तरह से फेर दीजिए, कोई लीकेज नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका मोटर एक बार में पानी उठाएगा वन शॉट में। तो चलिए अब मोटर को हम ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा काम सही से हो गया है या नहीं। मोटर चालू करो भाई, देखिए मोटर लगा दिया है और
पहली बार में जब मोटर पानी उठाती है, क्योंकि पाइप हमारा पूरा खाली है नीचे से, पहली बार में थोड़ा सा ये देर लगाती है क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक पानी खींचना होता है मोटर को। और पानी हमने भरा है, आप देख सकते हैं कहीं से भी इसमें लीकेज वगैरह नहीं है, कहीं से भी कोई पाइप जो कि पानी नहीं निकल रहा है इसके अंदर से। देखिए कोई लीकेज नहीं है आगे पीछे ऊपर नीचे से। ठीक है, मोटर ने पानी उठा लिया है। देखिए पहली बार में थोड़ा सा इस तरह से पानी उठाएगी, और जब एक बार उठा लिया इसने, देखिए एक बार पानी उठाने के बाद में आपको इसमें कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए मोटर ने पानी उठा लिया है। तो दोस्तों देखा आपने, हमने किसी भी टूल किसी भी औजार की इस्तेमाल नहीं किया और उसके बावजूद हमने अपने मोटर से पानी उठवा दिया। ठीक है, तो आप भी किसी की सिफारिश करने की बजाय, किसी के हाथ पैर जोड़ने की बजाय, या क्योंकि यार नाजायज़ पैसा लेते हैं ना आप, 2,000 रुपये 2,500 रुपये तुम ले रहे हो तो उसको फिट भी कर दो, कितना टाइम लगता है, 10 मिनट नहीं लगा जाता ज़्यादा मुझे। ठीक है, तो इस तरह से आप भी किसी की सिफारिश ना करके, एक्स्ट्रा पैसे ना दे करके खुद ही कर लो, कुछ भी नहीं लगता, थोड़ा सा हाथ ख़राब होगा और मिट्टी के तेल से ये साफ़ हो जाएगा। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो आप लोगों को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय सियाराम।